नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल के संडे स्पेशल वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑडियो कैसेट की पुरानी भूली बिसरी यादें प्रतिदिन शाम के 7 बजे आप ताज़ा भी कर रहे होंगे। तो आज है संडे और संडे को हम आपको दिखाने वाले हैं 3 कैसेट प्लेयर जो कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में रखे हैं। तीनों कैसेट प्लेयर बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत शानदार हैं और बहुत अच्छी आवाज़ें हैं। लेकिन दोस्तों ये दोस्तों ब्रांड न्यू मतलब बॉक्स पैक नहीं है, है तो नया माल लेकिन बॉक्स से बाहर है तो देखने में थोड़ा सा पुराना लग सकता है, लेकिन अंदर का जो मैकेनिज़्म है, अंदर का जो सामान, जो प्लेट, जो भी होता है वो सब कुछ नया है। लेकिन बाहर से थोड़ा आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ओल्ड हो लेकिन चला हुआ नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं तीनों कैसेट प्लेयर का आपको देने वाले हैं रिव्यू और सारी जानकारी देंगे। इसके बाद इनको हमको करना है सेल मतलब बेचना है। अब रही बात इनकी प्राइस की कि प्राइस मैंने क्या क्या रखी है, तो सबसे ऊपर हमारे पास एक अर्पित कंपनी का मिनी FLD कैसेट प्लेयर है जिसमें इनबिल्ट स्पीकर हैं। जी हाँ दोस्तों, इनबिल्ट स्पीकर हैं, सिंगल IC का सेट है, इसकी कीमत 2500 रुपये है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है प्रो साउंड का एक एम्पलीफायर है जो कि है UPA 550। अहूजा का आपने देखा होगा, ये अहूजा का नहीं है लेकिन सेम उसकी कॉपी है। प्रो साउंड इस कंपनी का नाम है, मॉडल नंबर है UPA 550, इसकी कीमत है 5000 रुपये। और इसके नीचे हमारे पास क्राउन कंपनी का रखा हुआ है जिसका मॉडल नंबर है KCP 850, जिसकी कीमत दोस्तों 7000 रुपये रखी गई है। तीनों कैसेट प्लेयर की आज टेस्टिंग करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और यदि आप इन कैसेट प्लेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर इनको खरीद सकते हैं। तो चलिए आज का ये संडे स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इन्हीं कैसेट प्लेयर की टेस्टिंग और रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्पित कंपनी का FLD मैकेनिज्म वाला मिनी कैसेट प्लेयर। जैसा कि आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ब्रांड न्यू FLD मैकेनिज्म और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्पित ऑडियो लाइन लिखा हुआ है। एक डिस्प्ले मिल जाती है आपको, डबल वॉल्यूम, डबल बेस, डबल ट्रेबल मिल जाते हैं और इसके बाद ऑन ऑफ का ऑप्शन भी हमको मिल जाता है। और यदि हम इसकी साइड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 2 स्पीकर लगे हुए हैं दोनों साइड में, और यदि हम बैक साइड की बात करें तो आप 2 स्पीकर और लगा सकते हैं और यहाँ पर 12 वोल्ट DC भी लगा सकते हैं और ये हमको एक सिलेक्टर भी मिल जाता है। ठीक है, मेड इन इंडिया का ये ब्रांड है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। और इसकी रेट 2500 है जैसा कि आप जानते हैं, तो चलिए हम इसको लाइट में कनेक्ट कर लेते हैं और लाइट में कनेक्ट करने के बाद इसकी आवाज़ आपको सुना देते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों मैंने इसको कर लिया है लाइट में कनेक्ट। अब मैं एक गाना लगाने जा रहा हूँ, इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ। मैकेनिज्म निकाल लिया है, सेट नया है लेकिन रखा हुआ है, बॉक्स नहीं है लेकिन कंडीशन अच्छी है। कैसेट लगा रहा हूँ, गाने सुनना, आप मुझे बताना आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, कैसेट मैंने लगा दिया फाइनली और पूरा मैकेनिज्म अच्छी तरीके से काम कर रहा है। चलिए प्ले। तो दोस्तों आपने इसकी आवाज़ सुनी, आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही है, सिंगल IC का सेट है। चलिए कोई दूसरी कैसेट लगाते हैं हम और आपको उसका भी गाना सुनाते हैं, और कुमार सानू की लगा दें। चलो ठीक है, कुमार सानू की कैसेट लगा दी मैंने इसमें और थोड़ा सा कर देता हूँ मैं फॉरवर्ड जिससे मैकेनिज्म में जो कैसेट है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो ये कैसेट बैठ गई है, प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने आवाज़ सुनी, वर्किंग कंडीशन में बहुत ही अच्छी आवाज़ है। चलिए इस कैसेट के बाद अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रो साउंड का UPA 550। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं और इसकी आवाज़ भी आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है PA कैसेट प्लेयर UPA 550, देख सकते हैं, और इसमें एलिन कंपनी का आपको मैकेनिज्म मिलेगा बिल्कुल ब्रांड न्यू। यहाँ पर दोस्तों आपको बेस मिल जाएगा, ट्रेबल मिल जाएगा, माइक और टैप का ऑप्शन मिल जाएगा, लो हाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा और 3 माइक मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 इसमें आप माइक लगा सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। और इसमें यहाँ पर पावर का
ऑन ऑफ का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और ये आपको मिल जाता है बिल्कुल ब्रांड न्यू FLD टाइप का मैकेनिज्म, कंपनी का नाम है एलेन, ठीक है। और ये आहूजा का जो UPA 550 आता था ना, उसकी ही कॉपी है, उससे थोड़ा सा बेटर ही मान के चलो, क्योंकि उसमें लगभग 2 ट्रांजिस्टर लगे थे और इसमें लगे हैं 4। चलिए बैक साइड दिखाता हूँ। यदि हम इसकी बैक साइड देखें तो आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, तो ये देख लीजिए इसकी बैक साइड। यहाँ पर आपको 3055 के 4 ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको माइक लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप स्पीकर लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने जॉइंट कर लिया है अपना एक स्पीकर 8 ओम में लगा दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको लाइन आउट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब इसकी ऑडियो आप बाहर भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के यूज में भी ये आ सकता है। यहाँ पर फ्यूज मिल जाता है, यहाँ पर 12 वोल्ट DC लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। ये बैक साइड है, देख सकते हैं 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। कंडीशन इसकी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़े बहुत स्क्रैचेज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बॉडी में आ गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं सेटअप, और सेटअप करने के बाद इसकी आवाज़ आपको सुना देते हैं। तो मैंने स्पीकर फाइनली कनेक्ट कर ही लिए हैं, अब मुझे सिर्फ लाइट कनेक्ट करना है और आपको इसकी आवाज़ सुनाना है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसमें लाइट कनेक्ट कर ली है और यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है। रेड कलर का एक इसमें LED जल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ बिल्कुल, स्पीकर आप देख सकते हैं, स्पीकर में आवाज़ आने लगी है। और थोड़ा सा बेस कम कर लेता हूँ, ट्रेबल थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और अब लगाने जा रहा हूँ मैं इसमें एक कैसेट, गाने की आवाज़ सुनना और मुझे बताना कि आवाज़ कैसी है, उसके बाद हम इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए कैसेट लगा दी मैंने, और ये बहुत ही प्यारा एम्पलीफायर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, डेक जैसा ही दिखने में है। चलिए प्ले करता हूँ, प्ले कर दी मैंने, अब आवाज़ बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आपने आवाज़ सुनी, आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत लाउड आवाज़ है। इसका मैं फुल वॉल्यूम बजाता हूँ तो मेरे स्पीकर भी ऐसा लगता है फट नहीं जाएँ, क्योंकि पावरफुल है और स्पीकर मेरे पास 8 इंच वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम एक कैसेट और लगाते हैं कुमार सानू जी की, जो कि हम हर वीडियो में आपको चला के दिखाते हैं। कैसेट मैंने लगा दी है और इस कैसेट का नाम है बेबी लव मी, ठीक है। बहुत से दर्शक पूछते रहते हैं बेबी लव मी है, चलिए प्ले करते हैं। पहला एहसास का सरगम, पहली मुलाकात, पहला जादू का वो आलम, पहली हर बार भूल सकता नहीं मैं, भूले से कभी वो पहली नजर, वो पहला असर। तो दोस्तों आपने इसकी आवाज़ सुनी, आवाज़ बहुत ही प्यारी आ रही है, बहुत ही मीठी आवाज़ है। बस ये है कि इसकी जो सामने का मॉडल है ना देखने का, जिसका इंटरफेस है, यहाँ पर थोड़े से स्क्रैचेज लगे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और थोड़ी बॉडी ऐसी लग रही है मतलब मटमैली टाइप की। बाकी है नया पीस, मैंने अंदर खोल कर भी चेक कर लिया है, ठीक है। चलिए अभी आपको मैंने प्रो साउंड का UPA 550 दिखाया, इसकी आवाज़ भी सुनाई। अब नेक्स्ट हम क्राउन का देख लेते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल है, ये भी 4 ट्रांजिस्टर में है। तो चलिए इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्राउन कंपनी का, इसका मॉडल नंबर है PA कैसेट प्लेयर KCP 850। मतलब कंपनी की तरफ से तो ये 85 वाट का है, लेकिन इसमें आप 100 वाट तक लोड दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 माइक लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसमें एक मैकेनिज्म मिल जाएगा जो कि बिल्कुल नया है, और कंपनी का नाम है दोस्तों एलेन। जी हाँ दोस्तों, एलेन का इसमें मैकेनिज्म है, मैंने चेक किया है। यहाँ पर आपको बेस मिल जाएगी, यहाँ पर ट्रेबल मिल जाएगी, यहाँ पर मास्टर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्राउन, आउटपुट लेवल मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको 4 माइक को ऑपरेट करने के लिए वॉल्यूम मिल जाएंगे, और एक दोस्तों टैप और बॉक्स भी मिल जाएगा। यहाँ पर बॉक्स और माइक मिल जाएगा, माइक टैप मिल जाएगा, और लो हाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये इंटरफेस है, थोड़ी सी बॉडी है ना, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी भद्दी हो, स्क्रैच लग गए हो, क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ था, बाकी यूज नहीं है, है तो नया लेकिन रखा हुआ है। चलिए बैक साइड दिखाता हूँ।
दोस्तों यदि हम इसकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको 3055 के चार ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर एसी से आप चला ही सकते हैं। यहाँ पर आप स्पीकर लगा सकते हैं 8 ओम और 16 ओम और 4 ओम, और यहाँ पर आप माइक लगा सकते हैं, और यहाँ पर फोनो सीडी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा जो कि लाइन आउट के काम आती है। और पीछे देखने पर थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है मटमैला कलर हो, यहाँ पर थोड़े स्क्रैचेज भी लग गए हैं कि हाँ यहाँ से कलर निकल गया हो, तो यहाँ पर हम कलर मार सकते हैं। बाकी और कोई दिक्कत इसमें है नहीं है, और नया सेट है, अंदर का मैंने पूरा चेक कर लिया है बिल्कुल, उसका मैकेनिज्म, इसकी प्लेट, सब कुछ दोस्तों नया है, क्योंकि बहुत दिनों से गोदामों में रखे हैं 10-20 साल से, तो ये आना स्वाभाविक है। यदि ये बॉक्स में होता तो ये चीज़ अभी नहीं होती, आपको बिल्कुल क्लियर क्लीन दिखता, लेकिन चालू है रनिंग कंडीशन में। चलिए इसको हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और आवाज़ सुनाते हैं और लाइट में कनेक्ट करते हैं। फाइनली स्पीकर मैंने इसमें लगा ही लिए, अब सिर्फ आपको आवाज़ सुनाना है लाइट में चेक करने के बाद। तो चलिए लाइट में कनेक्ट करते हैं और आवाज़ सुनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने लाइट में कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो एलईडी जल गई है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं मैकेनिज्म और इसमें कैसेट लगा देते हैं और आपको इसकी आवाज़ सुना देते हैं। कैसेट वही लगाने जा रहा हूँ जो मैंने अभी आपको सुनाई थी, मैकेनिज्म बंद कर देते हैं और इसकी आवाज़ आपको सुना देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा कम कर लूँ क्योंकि स्पीकर फट सकते हैं, बहुत ही हैवी ये सेट है। दोस्तों आपने इस कैसेट की आवाज़ सुनी, चलिए पलट के लगाते हैं, इसी की आपको दोबारा सुनाते हैं। दोस्तों आपने आवाज़ सुनी, बहुत ही प्यारी आवाज़ है और लाउड आवाज़ है। चलिए कुमार सानू की कैसेट लगाता हूँ, इसकी आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ कि इसमें आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि हर कैसेट की अलग अलग आवाज़ होती है, किसी में बेस ज़्यादा होती है, किसी में ट्रेबल ज़्यादा होती है, किसी में बैलेंस होता है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपने इसकी आवाज़ सुनी, इसकी आवाज़ भी बहुत ही प्यारी है, सारे कंट्रोलर बिल्कुल वर्किंग है, काम कर रहे हैं। इसकी कीमत 7,000 रुपये है, बाकी इससे पहले दिखाया था वो 5,000 का था, और सबसे पहले जो दिखाया था वो 2,500 रुपये का था। यदि आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेना है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कोई कमेंट भी करना कि इनमें से कौन से प्लेयर की आपको आवाज़ अच्छी लगी थी। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।